आज का टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में, स्पेशली जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें ये की सेल ऑर्गेनेल है। इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हम लोग कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा दोनों रिएक्शंस की बात करें तो लाइट रिएक्शन का जगह होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन और डार्क रिएक्शन का जगह होता है मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसे स्ट्रोमा भी कहते हैं। स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वो दोनों का जगह अपना अलग अलग बना हुआ है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जहां लाइट रिएक्शन में फोटो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वही डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल, इसे C3 कहते हैं। इसके अलावा भी साइड लिख देते हैं, अलग अलग प्लांट में C4 साइकिल, ठीक है, कहीं कहीं C2 साइकिल, ये सभी अलग अलग जगहों पर होता है फोटो डिस्पेरेशन, ठीक है। कहीं पर कैम होता है सकलेंट प्लांट में, तो अलग अलग तरह के जो काम है ना वो देखे जाते हैं। जब इतने तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं तो ढेर सारा प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहाँ से आएगा? क्लोरोप्लास्ट के पास अपना DNA होता है ना। क्लोरोप्लास्ट हैज CTDNA। ये जो DNA होता है वो सर्कुलर होता है और इनकोड करता है कुछ सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन को, इनकोड्स फ्यू सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो क्लियर कट मसला है कि क्लोरोप्लास्ट सब प्रोटीन का हिस्सा नहीं बना पाता है। देयरफॉर न्यूक्लियर DNA इनकोड्स इनकोड्स मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स प्रोटीन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर न्यूक्लियस में बनेगा, न्यूक्लियस से क्लोरोप्लास्ट तक जाना है, अर्थात तस्वीर यह कह रहा है ये न्यूक्लियस है, और ये क्लोरोप्लास्ट है। थैलेकोइड मेम्ब्रेन ये सब है, अभी यहां DNA है, इससे mRNA बना, इससे mRNA बना बाहर निकला, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर
बहुत सारा राइबोसोम, उस राइबोसोम के साथ ये एमआरएनए और फिर उसके साथ एक प्रोटीन बना। पिक्चर यही है, राइबोसोम प्रोटीन और फिर इस प्रोटीन को हम लोग इसके अंदर में डालते हैं, क्लोरोप्लास्ट ही। तो कहानी इसी प्रकार से कि प्रोटीन का इंपोर्ट हम लोग क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। अब जब क्लोरोप्लास्ट में इसका इंपोर्ट किया जाता है, इससे क्लोरोप्लास्ट ये एक मेम्ब्रेन हो गया इसका, दूसरा मेम्ब्रेन हो गया और ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ये है थैलेकोइड मेम्ब्रेन। थैलेकोइड मेम्ब्रेन। तो अब आप देखें यहां तीन मेम्ब्रेन है, एकदम ये सब चीज को नोटिस करना है। एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन और एक थैलेकोइड मेम्ब्रेन। कहने का अर्थ है कि जहां माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन पार किए, ये मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स पे आ गए, अगर थैलेकोइड में जाना है तो आपको तीसरा मेम्ब्रेन भी पार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा उससे अलग है, ठीक है, उससे थोड़ा अलग है। इंपोर्ट प्रोटीन्स, यदि हम इंपोर्ट प्रोटीन्स को देखते हैं, मान लो कि इस तरह से एक इंपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है, और ये माने हम इसका एन टर्मिनल है और यह इसका सी टर्मिनल है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में MTS होता था, एन टर्मिनल में माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, देखिए आप एन टर्मिनल के पास एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा इंपोर्ट सीक्वेंस, स्ट्रोमा इंपोर्ट सीक्वेंस, SIS, ये यहां पर होता है, यहां से लेकर यहां तक। अब जो अगला हिस्सा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। उन्होंने ब्लू कलर से रंग दिया है, ये जो सीक्वेंस है
इस सीक्वेंस को हम लोग कह रहे हैं थैलेकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस। That is called TTS. अर्थात इसमें हमें जैसे कि अगर एक ही सीक्वेंस रहता तो MTS होता था, यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस, लेकिन चूंकि क्लोरोप्लास्ट में एक एडिशनल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड थैलेकोइड मेम्ब्रेन, इसलिए उसमें पार पाने के लिए स्ट्रोमा इंपोर्ट सीक्वेंस के बाद एक थैलेकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस भी होता है। ये प्लास्टोसेरिन का हमने एग्जांपल लिया है। अब इस सीक्वेंस में प्रोटीन में हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस देखे। पहला एन टर्मिनल पर हमने स्ट्रोमा इंपोर्ट सीक्वेंस देखा, स्ट्रोमा इंपोर्ट सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस प्रोटीन को कहां से कहां इंपोर्ट करता है? साइटोसोल जहां ये बना है वहां से लेकर स्ट्रोमा में। देखिए इस डायग्राम में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोसोल है, और जहां ये पहुंचा है वो जगह क्या है, स्ट्रोमा है। ये कह रहा है कि यहां से ये जो तीर का निशान है इसको करने के लिए वो सीक्वेंस चाहिए जिसे हम लोग सिस कहते हैं। दूसरा इसमें कहता है हेलिकॉइड टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये जो है ये कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है इसको, स्ट्रोमा टू हेलिकॉइड मेम्ब्रेन। तो दोनों का काम बटा हुआ है ना, दोनों का काम बटा हुआ है। ये हो गया TTS, ये हो गया SIS। तो साइटोसोल से स्ट्रोमा के अंदर और स्ट्रोमा से थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। इस डायग्राम में हम आते हैं एक बार फिर से। इस डायग्राम में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं, ये है साइटोसोल टू स्ट्रोमा, और फिर यहां से यहां जाएगा हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोमा टू थैलेकोइड, है ना। तो इस प्रकार से ये दो यहां पर आपको रूट दिखता है। अब आगे की बात होगी, उस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कर। तीन मेम्ब्रेन हमें बनाना है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन और एक थैलेकोइड मेम्ब्रेन। इन तीन मेम्ब्रेन्स का हम लोग को देखना है कैसे ये कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। आइए देखते हैं, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, हरा रंग का पैच हो गया ये। और ये हो गया थैलेकोइड मेम्ब्रेन। पहले तो मेम्ब्रेन का नाम लिख दें, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये हो गया थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ओके, यहां बीच में क्या है, ये है मैट्रिक्स, यहां पर मैट्रिक्स है। तीन मेम्ब्रेन दिखा दिया भाई,
हमको मटेरियल को लाना है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें आउटर मेम्ब्रेन से अंदर आना पड़ेगा भाई। तो आउटर मेम्ब्रेन में इस तरह करके इंपोर्ट चैनल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं सभी। ठीक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसपोर्ट होता था, उसी प्रकार से यहाँ भी आप देख रहे हैं। मेरे साथ आप भी कलम चलाएंगे। ठीक इसके नीचे एक इनर मेम्ब्रेन में भी अपना प्रोटीन इंपोर्ट पोर होता है, जनरल पोर। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ थैलेकोइड मेम्ब्रेन में भी एक इस तरह करके जनरल पोर दिखता है। ओके, इस तरह करके तीनों में दिख रहा है भाई। हाँ, तीनों में रास्ता है जहां से चीजें अंदर जाएंगी। ठीक है, अब यहां सवाल उठता है कि बाहर तो प्रोटीन है, एक हम प्रोटीन बना दें, रेड कलर से बना देते हैं प्रोटीन को। देखिए ये तो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में यहां एक सीक्वेंस है, यहां एक सीक्वेंस। हम सब जानते हैं ये जो है वो SIS सीक्वेंस है, ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है, और ये जो है वो TTS सिग्नल सीक्वेंस है, थैलेकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस, स्ट्रोमा इंपोर्ट सीक्वेंस। तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं, इसलिए भी नो दिस थिंग्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग बोलते हैं टॉक कॉम्प्लेक्स, TOC, टॉक कॉम्प्लेक्स। इनर मेम्ब्रेन में जो है ये इसे बोला जाता है टिक कॉम्प्लेक्स। इसे ओवरऑल मिला के आउटर इनर मेम्ब्रेन टिक टॉक कहा जाता है। ठीक है, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट SRP रिसेप्टर। ओके, यहां पर हो गया। SRP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ठीक है, SRP का ये क्लोरोप्लास्ट, इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा जाता है SRP, और यहां भी पढ़ा जा रहा है। ये टिकटॉक रिसेप्टर्स हैं। अब क्या हुआ कि प्रोटीन इससे होते हुए, अब देखो प्रोटीन हमें थोड़ा सा बताना भी तो पड़ेगा ना कि इसके साथ क्या है। हीट शॉक प्रोटीन है, ठीक है ना, ये सभी क्या है, हीट शॉक प्रोटीन। वी ऑल नो अबाउट द हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन क्या करता है? ये फोल्डिंग होने से रोकता है, HSP70 हीट शॉक प्रोटीन। अब आप देखिए कि प्रोटीन तो यहां से एंटर आया, ठीक है, और आने के बाद अब ये मैट्रिक्स में ऐसे लंबा हो गया। लंबा होने के बाद इसका SIS जो हिस्सा है वो काट के अलग कर दिया प्रोटीएज ने। अब इसके एन टर्मिनल पर क्या है? TTS, थैलेकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस। SIS का काम हो गया, स्ट्रोमा में आ गया, तब इसका काम खत्म हो गया। अब इसको जाना है अंदर। जब अंदर जाना है इसको कुछ चाहिए मदद कि नहीं चाहिए? चाहिए मदद। तो किसका मदद चाहिए इसको? इसको चाहिए CSRP। ये आप देख रहे हैं ना, क्लोरोप्लास्ट SRP, इसको बोलते हैं CSRP। ये CSRP जो है ये यहां आकर बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर पर। ठीक है, यहां पर एक बाइंड करेगा और ये ही इस प्रोटीन को भी क्या करेगा? अंदर की ओर धकेल देगा।
ये इससे बाइंड करेगा एसआरपी, मतलब यहाँ जगह कम पड़ गया, हम इसको आगे दिखा देंगे अभी, और इस प्रकार से ये अंदर आ गया टीटीएस। अंदर आने के बाद क्या होगा, ये प्रोटीन अपने फोल्ड में आ जाएगा और टीटीएस भी कट कर अलग हो जाएगा। पिक्चर यही है ओवरऑल। कहते हैं बोथ, कौन बोथ, स्ट्रोमा इंपोर्ट सीक्वेंस एंड हेलिकॉइड टारगेटिंग सीक्वेंसेस आर रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, after reaching into stroma and thylakoid respectively, दोनों को अपने अपने जगह पहुंचने पर फिर काट कर हटा दिया जाता है protease के action से। एक ये बात हमारी हो गई। अब क्या होता है, जो थैलेकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस होता है इसमें दो बड़े, कहते ना कुछ चीजें जान पहचान होने के लिए जरूरी होता है, तो इसके एकदम नजदीक है ना, नियर टू द थैलेकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस टू आर्जिनिन, आर्जिनिन जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, रेसिड्यूज आर, रेसिड्यूज आर फाउंड। ये जो होते हैं ना, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस मतलब इस सीक्वेंस की मदद से आप क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस पर, हाँ ये है ना, ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं यहीं पर दो सटा हुआ आर्जिनिन होता है, और ये दोनों आर्जिनिन इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए है ना, इसको मदद करते हैं। सो इट इज वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग्स, ये बहुत जरूरी होता है। अब डायग्राम तो बहुत ये था, घिचपिच डायग्राम था, मतलब ऐसा ही समझने में ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन जब हम लोग इस तरह से करते हैं कि भाई क्या है ये, तो चार तरह के पाथवे जो है देखा जाता है ना, फोर पाथवेज ऑफ द इंपोर्ट, चार पाथवे इंपोर्ट का देखा जाता है। पहला हो गया पाथ ए, ठीक है, पाथ ए जो होता है वो होता है स्ट्रोमा टू थैलेकोइड ल्यूमेन, थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में। इसके लिए जो वहां इंपोर्ट प्रोटीन जो चैनल होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसकोलोन सेक वाई, और बैक्टीरिया में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड सेक 61। तो यहां जो है स्ट्रोमा से थैलेकोइड ल्यूमेन में जाने पर, ये स्ट्रोमा है इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसकोलोन सेकुआई। बैक्टीरिया में इसका एनालॉग क्या होता है, ट्रांसकोलोन 61। अब सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड पाथ टू, पाथ बी। पाथ बी जो होता है यहां पर भी एक्चुअली वही होता है, मतलब स्ट्रोमा टू
थैलेकवाइड ल्यूमेन, यहीं पर होता है, ठीक है। और यहां पर जो ट्रांसकोलोन होता है उसका नाम क्या है? ट्रांसकोलोन सेक्वाइड। देखो इन सब का नाम हमेशा क्वेश्चन में डालता है। इट यूजेस एटीपी, इट यूजेस एटीपी, इसलिए ये पाथ बी से अलग है। और इसमें बैक्टीरिया में इस काम के लिए है सेक ए, गौर करिए, क्योंकि सेक ए भी जो है वो एटीपी कंज्यूम करता है। तो पाथ ए और पाथ बी में डिफरेंस जो है वो एटीपी खर्च करना या एटीपी नहीं खर्च करना। अब आता है पाथ सी। पाथ सी जो है ये भी है आपको मतलब थैलेकोइड मेम्ब्रेन में टारगेट होता है, स्ट्रोमा टू थैलेकोइड मेम्ब्रेन, थैलेकोइड मेम्ब्रेन। अभी तक ये ल्यूमेन था, ये मेम्ब्रेन में है, ओके। और इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक ऐसा ट्रांसक्लोन नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सा वन जो है वह इसी तरह का काम करता है। ऑक्सा और जो ऑक्सीडेज है उससे बना, ये उस तरह का काम करता है। पाथ ए और पाथ बी ज्यादा डोमिनेंट है। पाथ डी जो है वह है मैट्रिक्स टू थैलेकोइड ल्यूमेन। बोलेंगे सर ये तो ए बी की तरह ही है, बट इसमें जो ट्रांसपोर्ट करने वाला मटेरियल होता है, इंपोर्ट मटेरियल, वो होता है मेटालोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन्स ओनली, मतलब सिर्फ मेटालोप्रोटीन्स, जैसे फेरेडॉक्सिन, सब जानते हैं लाइट रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, इसमें आयरन होता है, या साइटोक्रोम, साइटोक्रोम भी क्या होता है, इस तरह के प्रोटीन्स जो होते हैं वो पाथ डी को फॉलो करते हैं। इस प्रकार से ये चीजें जो हैं ये समझी जाती है। जहां एटीपी खर्च नहीं होता है तो जो क्या बोले उसको, जो पावर है वो कहां से मिलता है, तो इंपोर्ट का ड्राइविंग फोर्स कौन है, तो कहते हैं इट इज पावर्ड बाय प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट across the thylakoid membrane. मतलब ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्रोटॉन पंप जो है वो मदद करता है इस काम में कि इसको एटीपी नहीं चाहिए, क्योंकि बी वाले में तो चाहिए था, बाकी में तो नहीं चाहिए। तो ये जो है ये पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू थैलेकोइड मेम्ब्रेन। और इसमें कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, ये पीएच डिपेंडेंसी भी होती है, पीएच डिपेंडेंसी भी देखी जाती है, पीएच डिपेंडेंट पाथवे, पीएच में बदलाव होगा तो उसके ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव होगा।